हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो बैंक डिपॉजिट है, फिर चाहे तो हमारा सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस हो या फिर फिक्स डिपॉजिट हो या फिर रिकरिंग डिपॉजिट हो, तो उस पर हमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, हम उसको कैसे कैलकुलेट करके पता करें कि हमारा जो डिपॉजिट है उस पर हमें कितने अमाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर आप कह सकते हैं कितने रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमें कैसे पता लगेगा। क्योंकि बैंक सिर्फ यही बताता है कि 3% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है पर एनम, या फिर 4% का, या फिर 5% का, या फिर 6% का, या फिर 7% का। ये डिपेंड करता है डिपॉजिट टाइप पे कि डिपॉजिट टाइप कैसा है, सेविंग्स अकाउंट का वो बैलेंस है, या फिर जो है आपका फिक्स डिपॉजिट है, या फिर आपका रिकरिंग डिपॉजिट है, और भी बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं। बैंक टू बैंक अलग अलग जो इंटरेस्ट रेट बैंक देता है, और भी बहुत सारे इसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट है उसका पीरियड कितना है, तो उस पर भी वो डिपेंड करता है, घटता बढ़ता रहता है। तो बहरहाल इन सारे चक्करों में हम नहीं पड़ेंगे, हमें कम से कम इतना तो पता होता है कि हमें जो है हमारे फिक्स डिपॉजिट पे या फिर हमारे सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस पे हमें इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, कितने परसेंट का मिल रहा है। जैसे कि 3% का आजकल नॉर्मली बैंक दे रहे हैं, या फिर कुछ बैंक इससे भी नीचे दे रहे हैं, 2.75%। इसी तरह से जो है आपको कुछ बैंक इंटरेस्ट रेट आजकल दे रहे हैं आपके सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस पे। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करके जानें कि हमारा जो सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस है उस पर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस वीडियो में यही आप लोगों को समझाने वाला हूँ। आप अपने हिसाब से बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए, चाहे फिर आपका फिक्स डिपॉजिट हो, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट हो, या फिर सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस हो, आप चेक कर सकते हैं इसी तरह से जैसे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए इसके लिए चलते हैं कैलकुलेटर पर। हाँ, तो हम आ गए हैं कैलकुलेटर पर। मान लेते हैं कि हमारा एक सेविंग्स अकाउंट है जिसमें हमने 10,000 रुपये बैलेंस रखे हुए हैं, और उस 10,000 रुपये बैलेंस पे हमें 3% का इंटरेस्ट रेट पर एनम के हिसाब से मिलता है। तो 10,000 रुपये हमारे सेविंग्स अकाउंट में पड़े हैं, उस पर 3% का हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें 10,000 का 3% कितना अमाउंट होता है वो कैलकुलेट करना होगा, यानी कि 10,000 पे अगर 3% का इंटरेस्ट रेट मिले हमें तो ओवरऑल अमाउंट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करके निकालना होगा। तो इसके लिए क्या करना है कि इस 10,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 100 से, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए तीन से। हाँ, तो 3 से मल्टीप्लाई करना, तो मैंने गलती से 30 कर दिया था। हाँ, तो ये हमारे सामने अमाउंट आ गया है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, ये 10,000 है, हमने इसको एज्यूम किया हुआ, माना हुआ है। आपका जो भी होगा अमाउंट वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, और बिल्कुल इसी मेथड से आपको चलना है। और ये 3 जो है ये परसेंटेज है, यानी कि इंटरेस्ट रेट का परसेंटेज है, जो हमें 3% इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमने यहाँ पे इंटर किया हुआ है, या फिर कह लीजिए लिखा हुआ है। तो आपको अगर 3% मिल रहा है तो 3% इसी तरह से लिखिएगा, या फिर 4 है तो 4, 5 है तो 5, वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो आपको इस तरह से अमाउंट मिल जाएगा। तो 10,000 पे हमें 3% अगर इंटरेस्ट रेट साल भर में मिलता है तो हमें 10,000 पे 300 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि हमारे 10,000 रुपये पे हमें 300 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा साल भर में। बहरहाल ये तो साल भर में हमें जो 10,000 रुपये पे 300 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि बैंक सेविंग्स अकाउंट पे क्वार्टरली पे करता है इंटरेस्ट। हर तिमाही में बैंक जो इंटरेस्ट पे कर देता है, जो सेविंग्स अकाउंट बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलता है हमें, वो हमें हर तिमाही में मिलता है। तो इसलिए हमें तिमाही का कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि हमें 3 महीने में कितने अमाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर आप कह लीजिए कितने रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आप इसको मंथली में डिवाइड कर लीजिए, जो भी अमाउंट है पर मंथ में डिवाइड कर दीजिए कि पर मंथ आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या करना है हमें इसके लिए, 300 रुपये को आप जो है इस तरह से डिवाइड कर दीजिए 12 से, क्योंकि साल भर में 12 महीने होते हैं, तो डिवाइड कर देंगे तो पर मंथ आता है 25 रुपये। यानी कि अगर आपको इंटरेस्ट 3% मिलेगा 10,000 पे, तो हर महीने 25 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसी को आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, इसी 25 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से इस तरह से, तो 75 रुपये का हमें इंटरेस्ट मिलेगा क्वार्टरली। यानी कि 75 रुपये हमें हर तिमाही में हमारे 10,000 रुपये बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, बस इसी तरह से हम इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करके जान सकते हैं कि हमें कितने रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा हमारे सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस पे, या फिर फिक्स डिपॉजिट पे, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट पे। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की थी। आप जो है इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इसी मेथड से। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।